धनबाद जिला परिषद मैदान में लगे पुस्तक मेला में एक बुक स्टॉल में अचानक आग लग गई। स्टॉल धारक एवं सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। दमकल की टीम के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आयोजक आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। स्टॉल धारक ने बताया कि कुछ किताबें जली हैं, जबकि भीगने से दो स्टॉल की महंगी महंगी लाखों रुपए मूल्य की किताबें बर्बाद हो गई है। आयोजकों पर प्रकाशकों एवं स्टॉल संचालकों ने फायर फाइटर की उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया है, जबकि आयोजक ने जांच की बात कही है। बता दें कि 31 मार्च से आयोजित इस बुक फेयर में करीब 60 स्टॉल लगाए गए हैं। मेला 7 अप्रैल तक चलेगी। कैसे आग लगा इसका पता अभी नहीं चला, क्योंकि इलेक्ट्रिक था नहीं, शॉर्ट सर्किट का चांस है नहीं, तो कैसे लगा थोड़ा उसी को हम लोग पता लगा रहे हैं। ये तो सब आदमी सजाग था, इसीलिए थोड़ा लगने के साथ साथ ही बुता दिया गया है। दुकानदार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगा है। लाइन नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, आप ही बताइए। दुकानदार कह रहा है वो तो जनरल परसेप्शन है कि आग लगा है तो शॉर्ट सर्किट से लगा। दुकानदार तो कुछ भी बोलेगा अलग बात है, लेकिन जब लोड शेडिंग है उस समय शॉर्ट सर्किट कैसे हो, आप ही बताइए। हो सकता है कैसे लगी हो क्या, ये तो देखेंगे, जांच की विषय है ना, तुरंत कैसे बता देंगे। अभी तो तुरंत लगा है तो समझिए कि सब आदमी सजग था, क्योंकि पुस्तक मेला के थोड़ा सा लेट होता तो भयंकर हो सकता है। एक ही दुकान में एक कॉर्नर में थोड़ा सा जला है, 10-20 किताब जला है। आप कुछ नुकसान फिर से 1000 रुपये का होगा, 1000-2000 का होगा, उससे ज्यादा का थोड़े होगा। आपका सामने है कितना किताब जला है, आप ही देख लो। 10 या 15 किताब से ज्यादा जला है तो आप ही देख के बताओ, हम अपने से क्या बोले, आप देख लीजिए। देखिए सारा चीज जो है हम लोग इंतजाम रखे हैं, फायर फाइटर है बगल में, फायर स्टेशन को बोला हुआ है, उन लोगों ने जैसा गाइडेंस दिया उसी हिसाब से किए हैं, सारा चीज किया है। सब कुछ करने के बाद भी कहीं कुछ चूक हो जाता है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का चूक आगे कभी ना हो। अब क्या चूक हुआ ये देखना है, ये देखने की बात है। मैं गोपाल भट्टाचार्य सचिव हूँ बंगाली वेलफेयर सोसाइटी। हम लोग आए हैं कलकत्ता से, परसों प्राकृतिक दुर्योग की वजह से बंद था, कल पेंडल तैयार करके हम लोगों को दिया गया। आज जब देखे हैं तो यहाँ पे देखे कि आग लगा है। सिक्योरिटी, हम लोग दुकान में थे तो सिक्योरिटी आके हमको चिल्ला रहा है कि आग लग गया, आग लग गया। तो बुझाने वाला सामान कुछ यहाँ पे उपस्थित नहीं था, और बुझाने वाला जो ऑक्सीजन था यहाँ पे आदमी मौजूद नहीं था, दो सिक्योरिटी और हम दो लोग थे। तब हम सबको बुलाए हैं, सामान यहाँ लगा हुआ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिलेंडर में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में ऑक्सीजन पूरा नहीं था, और जितना हम इस्तेमाल कर सके दोनों आदमी मिलकर उसके आगे सब आदमी आए, सब आदमी आके आग बुझाने की कोशिश किए है, लेकिन अभी तक कोई फायर ब्रिगेड या कमेटी वाला कॉमेडी वाला आदमी कोई अभी आया, यहाँ का कोई अभी यहाँ पे आया नहीं है। हम लोग करने के लिए बहुत अच्छा, आप तो देख रहे हैं 10-12 सिलेंडर ऑक्सीजन का जल चुका है पूरा, वो लोग को दिखाएगा 10-15, लेकिन उसमें आधा आधा ऑक्सीजन था भैया। लापरवाही तो कमेटी का भी है और लाइट मैन का तो ही है। क्या कुछ नुकसान भी हुआ? नुकसान तो आप तो देख रहे हैं, सामने करोड़ों का किताब, लाखों का किताब जल के पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। कितने का नुकसान हुआ? लाखों रुपया का नुकसान है भैया, देख लीजिए आप। सब नॉवेल, सब स्टोरी बुक कितना है, सब क्या कॉस्टली स्टोरी बुक सब जल गया, उनका भीग के देखिए, पानी भिगा के उनका दुकान एक ही जला है, एक ही दुकान जला है, लेकिन इससे और दुकान जल सकता था, लेकिन आदमी मौजूद हो गया इसलिए थोड़ा बंद हुआ है। ठीक है, नाम आपका? मेरा नाम है तन्मय कुंडू, मैं बोई गैलरी से आया हूँ कलकत्ता से। ठीक है।